क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ओके तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, जब कभी भी जीरोस निकालना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू जीरो। आपको याद होगा नाइन्थ क्लास में आपने क्या पढ़ा था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टर निकालना। ओके तो इसे हम क्या करेंगे, मिडल टर्म से स्प्लिट करेंगे, इसके बाद इसका फैक्टर निकालेंगे, जीरो के इक्वल रखने के बाद हमें क्या आएगा, जीरो हमारे पास आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, बताओ इसका फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, वन। इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ रहा है, माइनस एट को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एट। अब इसका ऐसा फैक्टर बताओ जिसे एड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, माइनस टू आ जाए। तो फोर टू सा एट और फोर में से टू माइनस करने पे कितना आ रहा है, माइनस टू आ रहा है। ओके तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। माइनस फोर में से टू को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस टू, और माइनस फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एट आ जाएगा। ओके तो क्या हो जाएगा, इस दोनों टर्म में से एक्स कॉमन कीजिए तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस फोर। इस दोनों टर्म में से टू कॉमन करो तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। इसके बाद सेपरेट कीजिए तो कितना आ जाएगा, फाइनली आप इसे क्या लिख सकते हो, x माइनस फोर और इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब अगर आप इसे जीरो के इक्वल रखोगे तो क्या होगा, वेन x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। और अगर आप x प्लस टू को जीरो के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टू, दैट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। स्टूडेंट्स किसी को भी आप अल्फा और बीटा मान सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके इसके बाद एक तो क्वेश्चन में कह रहा था जीरोस फाइंड करो, वो हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करो। तो ध्यान से सुनिए, आपके पास इक्वेशंस क्या गिवेन है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो, ये गिवेन है आपके पास। तो बताओ आपको याद होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, वन, तो फाइनली ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, माइनस टू, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस टू, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, माइनस एट, विच इज अ कॉन्स्टेंट टर्म। अब अभी हमने रिलेशन क्या देखा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, फोर, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, माइनस टू। ओके और माइनस बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, माइनस टू, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वन। ये हो जाएगा आपका फोर प्लस और माइनस माइनस टू, और माइनस और माइनस प्लस टू अपॉन वन, फोर माइनस टू क्या हो जाएगा, टू, और वन से टू में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, टू। दोनों आपस में इक्वल आना चाहिए। ओके जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज होगी और जो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यूज होगी, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके दूसरा रिलेशन था हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा के प्लेस में हमारी वैल्यू कितनी है, फोर, और बीटा के प्लेस में हमारी वैल्यू है माइनस टू, और कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस एट, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वन। फोर को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट इक्वल टू वन से डिवाइड देंगे माइनस एट में तो क्या होगा, माइनस एट। दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। ओके तो देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल है। तो कहने का मतलब जो जीरोस का रिलेशन है कोएफिशिएंट के साथ, ये दोनों हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे हैंस रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट आर वेरीफाइड।